गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा शॉपिंग हॉल, तो हम लोग गए थे विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करने, और मैं वहाँ पे किचन प्रोडक्ट ही सारा कुछ शॉपिंग की थी। तो मैं आप लोग को उस वीडियो में नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि वो जो ब्लॉग था ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी शॉपिंग पे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल जाती हूँ हमेशा, अगर आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। मैं गई थी शॉपिंग पर, पहली बार शॉपिंग पर गई थी मैं अपने हस्बैंड के साथ, और बहुत सारा कुछ शॉपिंग करके ले आई हूँ। सारा कुछ किचन के लिए ही लेके आई हूँ। तो बहुत सारी कमेंट आए थे उस वीडियो पे कि प्लीज़ आप जो भी शॉपिंग करके लाए हो सारा प्रोडक्ट का, हम लोग के साथ रिव्यू भी करो, शॉपिंग हॉल शेयर करो हम लोग के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करके लाई थी उस दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ। यहाँ पर मैंने सब कुछ रखा है, और उस दिन तो टाइम नहीं मिल पाया था तो नहीं दिखा पाई थी। अभी यहाँ पे सब कुछ सेट करके रखी हूँ, दिखा रही हूँ आप लोग को एक एक करके कि मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट मैंने खरीद के लाया और उसके प्राइस क्या है और उसकी क्वालिटी कैसी है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये लेके आई हूँ, ये देखिए, ये डब्बे हैं, चार डब्बे हैं इसमें, ये चार छोटे छोटे डब्बे हैं, ये किचन के लिए ही हैं। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये मुझे 60 रुपये में मिली है, 60 रुपीज। तो 60 रुपये में ये चार डब्बे मिले हैं मुझे, ये ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर एंड ये ग्रीन कलर, चार कलर है इसमें और छोटे छोटे डब्बे हैं। इसमें हम लोग क्या रख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग अजवाइन रख सकते हैं, और कलौंजी रख सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे हींग रख सकते हैं, जीरा वगैरह रख सकते हैं, कुछ छोटे छोटे जो मतलब थोड़े थोड़े सामान होते हैं वो हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो बहुत छोटे और क्यूट हैं एकदम, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और 60 रुपये में चार, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था तो ये मैंने ले लिया चार। और उसके बाद फिर मैंने बहुत कुछ लिया है, दिखा रही हूँ मैं। उसके बाद ये डब्बे ली हूँ मैं, तो ये डब्बे मैंने लिया है जैसे नमक रखने के लिए, चीनी रखने के लिए, या फिर मसाले धनिया वगैरह रखने के लिए ये काम में आ जाएगा। तो इसकी प्राइस की बात करूं तो ये मुझे मिला है, ये भी 60 रुपये में मिला है, और ये 60 रुपये में तीन डब्बे हैं, इसके अंदर चम्मच भी डले हुए हैं। 60 रुपये में ये भी तीन डब्बे हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और अफोर्डेबल भी है, 20 रुपये के हिसाब से एक डब्बा है तो अच्छा है। और इसमें हम कुछ कुछ यूज करेंगे, देखिए अभी क्या रखेंगे पता नहीं है मुझे। तो एक तो ये हो गया, फिर ये लिया मैंने, और उसके बाद इसके साथ ही मैंने ये भी लिया, दो ऐसे लिए थे तो 6 डब्बे हो गए ये। तो ये आधा दर्जन डब्बा ली थी मैं, तो ये भी 60 रुपये का, ये भी 60 रुपये का, 120 रुपये का 6 डब्बा मिला था मुझे। ये सेम टू सेम वैसा ही है, मतलब हम मैंने ब्लू कलर ही परचेज किया है, जितने भी मैंने सब कुछ लिए हैं ब्लू कलर के ही लिए हैं, क्योंकि मैं अपने किचन का जो कलर है, जो पैटर्न है, वो ब्लू कलर ही रखने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने सारे डिब्बे ब्लू कलर के ही लिए। ये वाला जो डब्बा था इसमें भी मैं पूरा ब्लू ही ढूंढ रही थी, बट नहीं मिला। बहुत ढूंढा मैंने पूरे विशाल मेगा मार्ट में, पूरा मैंने देखा लेकिन कहीं नहीं मिला। ये चार कलर का ही मिल रहा था, नहीं तो मैं सोची थी कि सबके सब जैसे चारों ब्लू होते तो ज़्यादा अच्छा होता, बट नहीं मिला तो ये मुझे लेना पड़ा। वैसे मैंने ब्लू का ही पैटर्न रखा है। तो ये हो गया, और इसके बाद रहा ये डब्बा लिया है मैंने, ये इसको मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह के ये डब्बा है, ये यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे स्विच होता है। ये है सरसों तेल के लिए, यहाँ पे स्विच करने पे ये खुल रहा है बंद हो रहा है, ये देखिए खुल रहा है बंद हो रहा है। तो ये सरसों तेल रखने के लिए मैं ली हूँ, बहुत अच्छा लगा था मुझे और क्यूट भी लग रहा था। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये भी मुझे 60 रुपये में मिला है, ये 59 रुपये में मिला है, ये 59 रुपीज। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये सरसों तेल रखने के लिए बहुत ही अच्छा है, ऐसे इसमें तेल डाल देंगे फिर ऐसे बनाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो ये मैंने एक लिया था।
बस एक ही ली थी, ये भी ब्लू कलर का, क्योंकि पैटर्न ब्लू ही रखना है मुझे। तो ये रहा ब्लू कलर, ये एक हो गया, ये सरसों तेल के लिए। और इसके बाद मैं और कुछ ली हूँ, ये देखिए ये बड़ा सा डब्बा लिया है मैंने, ये भी ब्लू कलर का ली हूँ, और ये बड़ा सा डब्बा। और इसमें ना तीन डब्बे हैं, इसके अंदर दो डब्बे और हैं, तो मैं आप लोगों को अभी खोल के दिखाती हूँ। ये जैसे कि चीनी रखने के लिए, या फिर दाल रखने के लिए, या फिर चावल रखने के लिए, ऐसे कुछ जैसे ज़्यादा मात्रा में जो सामान है वो रखने के लिए सही है। चीनी इसमें आराम से आ जाएगा, दाल भी आराम से आ जाएगा, और चावल तो नहीं आएगा क्योंकि इतने छोटे डब्बे में तो चावल नहीं रखेंगे। चीनी रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, और कुछ कुछ रख सकते हैं। देखिए अभी किचन में मैं कुछ भी रखूँगी, यूज करूँगी जब, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इसके अंदर तीन डब्बे हैं, मैं खोल के अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने भी अभी तक खोल के देखा नहीं है। तो ये रहा, इसको खोल दिया मैंने, ये देखिए इसके अंदर एक और डब्बा निकला है, डब्बे के अंदर डब्बा। तो ये डब्बा एक और, इसके अंदर एक और डब्बा है, ये देखिए एक और डब्बा निकला, फिर से डब्बे के अंदर ऊपर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, फिर ये एक दो अन्य थ्री, और इसमें एक और डब्बा है, चार डब्बा है इसमें। तो ये देखिए एक और निकला, डब्बे के अंदर फिर से डब्बा निकला, यानी कि चार डब्बे निकले। ये सबसे छोटा डब्बा, सबसे छोटा डब्बा, उसके बाद ये उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद ये थोड़ा सा और बड़ा, और इसके बाद ये थोड़ा सा और बड़ा। मुझे लगा था इसमें तीन ही डब्बे हैं, बट इसमें तो चार डब्बे निकले, तो काफ़ी अच्छा है। और इसके प्राइस की मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इसके प्राइस है 199, यानी कि 200 रुपये मान के चलिए। 199 रुपये में ये चार डब्बे मुझे अच्छे लगे, क्योंकि इसका जो साइज भी है वो भी तो काफ़ी बड़ा है ना, ये बहुत अच्छे खासे इसके साइज भी हैं, अच्छा लगा मुझे। मुझे लगा तीन ही डब्बा है इसमें, मुझे भी नहीं पता, तो डब्बे के अंदर डब्बा, चार डब्बा निकले हैं, ये चार डब्बा हो गया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और इससे भी मैंने ब्लू कलर में ही लिया है, जितने भी डब्बे लिए हैं सारे सब ब्लू कलर में ही लिए हैं, क्योंकि ब्लू ही मुझे पैटर्न रखना है अपने किचन का। और इसके साथ एक और डब्बा ली हूँ, एकदम सेम टू सेम यही है, तो चार इसमें हैं तो चार इसमें भी होंगे, तो चार चार आठ इधर हो गए, ये हो गए चार चार आठ, सेम टू सेम वही है, इसकी प्राइस भी वही सेम है 199 रुपये। तो चार चार आठ हो गए इधर, और फिर ये हो गए तीन तीन, और ये तीन छः हो गए, तो आठ और छः 14 हो गए। और उसके बाद एक ये ली थी तेल के लिए, सरसों तेल के लिए, तो 14 × 15 हो गए। और उसके बाद फिर चार ये ली थी, ब्लू कलर मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन सारे ब्लू कलर नहीं मिल रहे थे, ये मल्टी कलर ही मिल रहा था, जैसे सबके सब चार चार है तो चार कलर के मिल रहे थे, तो ये चार ले लिया, तो 15 × 4 = 19 हो गए। और ये इतना सारा तो डब्बा लिया है मैंने किचन का पैटर्न चेंज करने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, कि सजेशन दे रहे थे बहुत अच्छे से, कुछ लोग मेरे अच्छे प्यारे प्यारे व्यूवर हैं जो लोग बहुत प्यार से कुछ भी सजेस्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कुछ भी कमी लगता है मेरे ब्लॉग में, मेरे वीडियो में, तो आप लोग सजेस्ट किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट और आप लोगों का सजेशन। तो कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि दिवाली पे किचन का मेकओवर कर दो, तो मैंने सोचा चलो किचन का मेकओवर कर देते हैं, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा खर्चे वाले चीज़ नहीं है, और आप सबको पता है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा खर्चा वाला काम नहीं कर सकती हूँ, बट ये जो काम था ये चिप एंड बेस्ट था, तो मुझे किचन का मेकओवर करना है। तो थैंक यू सो मच जिसने मुझे सजेस्ट किया, उसको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और इतना प्यार करते हो आप लोग अपनी छोटी बहन मानते हो, मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हो, बहुत सारी आंटी लोग भी हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे से प्यार से बोलती है लोग, तो सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू। दीदी लोग, आंटी लोग, भैया लोग, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबको दिल से थैंक यू। और इससे सबसे अच्छा चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कुछ ली हूँ, वो अभी आप लोग को दिखाई नहीं हूँ, तो चलिए वो भी दिखा देती हूँ आप लोग को। तो इसके लिए बहुत बवाल हुआ था मेरे चैनल पे, किस चीज़ के लिए बवाल हुआ था ये तो आप लोग को पता ही है, तो बवाल हुआ था मेरे चैनल पे,
मेरी वीडियोस पे कि जला हुआ कढ़ाई, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हो कि जला हुआ कढ़ाई में खाना बनाती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, कौन खाता होगा ऐसे जला हुआ कढ़ाई में, ऐसे गिर के बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो वो सब जितने भी कढ़ाई हैं तो वो मेरे ससुराल के हैं, बहुत पहले से है। तो मैं आके यहाँ पे बहू हूँ, नई बहू हूँ, और आके उठा उठा के सब फेंक तो नहीं सकती हूँ ना। आप अपने घर के सामान नहीं फेंक सकते हो बिना इजाज़त के, तो मैं वो सब कढ़ाई फेंक तो नहीं सकती हूँ। और जो कढ़ाई में बन रहा है मुझे भी उसी कढ़ाई में बनाना है। इस वजह से तो बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बहुत रोई भी थी। तो सोचा कि चलो, बहुत लोग सजेस्ट किए कि ले लो नया कढ़ाई, और मेरे हस्बैंड भी बोले कि मत रो, ले लो तुम नया कढ़ाई। तो मैंने नया कढ़ाई ले लिया, ये देखिए। अब तो नहीं बोलोगे ना आप लोग कि जला हुआ कढ़ाई में खाना बनाती हो। ये देखिए, ले लिया मैंने जला हुआ कढ़ाई को, चेंज कर दिया, और ये नया नया चमकता हुआ कढ़ाई ले ली हूँ, ये देखिए, मस्त। इसी के लिए स्पेशली गई थी मैं शॉपिंग करने, स्पेशली इसी के लिए गई थी। ये देखिए एकदम चमक रहा है ये तो। इस पर तो कोई ट्रोल नहीं करेगा ना मुझे, अब तो ट्रोल नहीं करोगे ना आप लोग। आई होप कि आप कोई ट्रोल ना करे, चमकता हुआ कढ़ाई लेके आ गई हूँ मैं। और इस कढ़ाई की प्राइस की बात करूँ मैं, तो ये मुझे मिला है 399, यानी कि 400 रुपये में ये कढ़ाई मिला है मुझे। काफ़ी अच्छा है, साइज भी अच्छा है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। मतलब हमारे यहाँ 6 लोग हैं, हमारे फैमिली में 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर के लिए ये अच्छा है, इसमें सब्जी आराम से बन जाएगा सबके लिए। तो स्पेशली इसी के लिए गई थी। जितने लोग ट्रोल कर रहे थे सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों को ट्रोल करने की वजह से नया कढ़ाई खरीदा गया मेरा, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था उस कढ़ाई में खाना बनाना, बट मैं नहीं बोल सकती थी, बट आप लोग के ट्रोल करने की वजह से मेरा कढ़ाई खरीदा गया। तो थैंक यू सो मच ट्रोलर, बहुत बहुत थैंक यू। और जो लोग बहुत प्यार से सजेस्ट किए थे उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो आई होप आप सबको मेरा शॉपिंग हॉल अच्छा लगा होगा। अपने लिए कुछ भी नहीं ली थी, सब कुछ किचन के लिए ही ली थी। एक चीज़ और मैं आप लोग को दिखाना भूल रही हूँ, वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, एक मिनट। तो ये चीज़ मैं भूल रही थी दिखाना आप लोग को, ये मैंने कुछ पेपर लिए हैं, इस तरह के रंगीन पेपर हैं ये। तो ये मैं ली हूँ किचन के दीवार पे चिपकाने के लिए, जो टाइल्स के ऊपर जो दीवार है जो काला काला हो गया है उस पर चिपकाने के लिए, क्योंकि अभी पेंटिंग तो होगी नहीं, और पेंटिंग करने के लिए मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा चलो तब तक जुगाड़ का काम लगाते हैं। तो ये मैं ख़रीद के लाई हूँ पेपर ग्रीन कलर का, क्योंकि ग्रीन कलर का हमारा टाइल्स भी है किचन में, तो ये ग्रीन कलर का मैं ख़रीद के ले आई हूँ। और इसके साथ ये गम चिपकाने के लिए, इसको दीवार में चिपकाने के लिए ये लेके आई हूँ। तो यही सब शॉपिंग हुई थी हमारी, किचन के लिए ही सारा कुछ। किचन का अब मेकओवर होगा, तो वो भी वीडियो आएंगी, तो आप लोग देखिएगा कि मैं किचन का मेकओवर कैसे करती हूँ और कौन सा चीज़ को मैं कैसे यूज करती हूँ, ये सारे जो प्रोडक्ट लिया है मैंने इस सब को कैसे यूज करती हूँ। और स्पेशली इस कढ़ाई में मैं सबसे पहले क्या बनाती हूँ, आगे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को देखने मिलेगा। तो आई होप आप सबको मेरा शॉपिंग हॉल अच्छा लगा होगा, और इसके लिए मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। मैंने अपने करवा चौथ का कोई भी शॉपिंग नहीं की हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो करवा चौथ का शॉपिंग करो या फिर किचन का शॉपिंग करो। तो मैंने किचन का ही शॉपिंग करने का सोचा था, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो किचन का ही पहले शॉपिंग करते हैं। तो इसलिए मैंने किचन का शॉपिंग को तो सेक्रीफाइस की हूँ बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा मेरा शॉपिंग हॉल और ये कढ़ाई, चमकता हुआ कढ़ाई। अब मत बोलना कोई भी जला हुआ कढ़ाई है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, सारा जो भी मैंने शॉपिंग किया था वो आप लोग को दिखा दी हूँ। अभी के लिए बाय बाय, अब जो भी यूज होगा नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। अभी के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगी अच्छे से ब्लॉग में।